इधर रीवा के संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में युवक के साथ हुई बर्बरता में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के संचालक सहित 2 कर्मचारी भी पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि एक अन्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। पीड़ित युवक नशे का आदी था, जिसे नशा मुक्ति केंद्र में 25 जुलाई 2021 को भर्ती करवाया गया था और नशा मुक्ति केंद्र का संचालक प्रतिमा 15,000 से 18,000 रुपए की राशि लेता था। बीते दिन नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और कर्मचारियों ने मिलकर युवक के गुप्तांग में गैस चूल्हे का लाइटर डालकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। मामले को छुपाने के लिए पीड़ित को अस्पताल में ले जाकर उसका ऑपरेशन भी करवा दिया गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की। वहीं आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई अब की जा रही है। सर बांध देते थे, सर बांध देते थे तो कचरते थे, लाश के ट्यूनिस कचरते थे, ये मारते थे, खुदा मारते थे, ये पंचिंग करते थे, जब तक आदमी बेहोश ना हो जाए। मेरे साथ आज ये 1.5 साल से घटना कर रहे थे। जो FIR कल कराई गई थी उसमें 5 नामजद आरोपी थे और जिसमें से 4 को हमने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और देखते हैं उसमें कि 5वां भी आरोपी, उसको भी प्रयास हम लोग करें, लेकिन जो मेन मुख्य आरोपी हैं हमारे उसमें आ गए हैं।